हेलो एवरीवन वन स्वागत आप सभी का टोपर्स प्रेम चैनल में इस वीडियो से आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक विजुअल बेसिक ठीक है इंपॉर्टेंट है टी में विजुअल बेसिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था लेकिन पी में जो पेपर हुआ था वहाँ पर विजुअल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे ओके तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है जो पेपर होगा अभी उसमें जो है टी में भी जो है वी से पूछ लिया जाए ठीक है तो करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं विजुअल बेसिक में जो पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो देखिए विजुअल बेसिक की अगर मैं बात करूँ तो विजुअल बेसिक को नाइनटीन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो था डेवलप किया था ओके और विजुअल बेसिक क्या है बेसिक जो लैंग्वेज थी उसी का जो है एक्सटेंशन जो है आप कह सकते हैं मतलब उसी की भाषा से जो है ये बनाई गई है ओके तो देखते हैं देखिए विजुअल बेसिक इज़ ए टूल दैट अलाउ यू टू डेवलप विंडो एप्लीकेशन विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं जो विंडो एप्लीकेशन होती हैं या कह लीजिए जो एम एस विंडो एप्लीकेशन होती है उन्हें डेवलप करने के लिए आ, हम विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक में अगर मैं बात करूँ ये याद रखिए डेवलप विंडोज़ यानी कि जी यू आई एप्लीकेशन जो होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन इन्हें डेवलप करने के लिए हम वीबी का यूज करते हैं वीबी में दो पार्ट्स होते हैं एक विजुअल पार्ट है तो दूसरा बेसिक पार्ट है ठीक है विजुअल पार्ट रेफर्स टू द मेथड यूज टू क्रिएट जी जी यू आई ठीक है विजुअल का मतलब क्या है कि वो जिन जिनका यूज करके हम जी यू आई को क्रिएट करते हैं ओके बेसिक पार्ट क्या है बेसिक पार्ट रेफर्स टू द बेसिक लैंग्वेज वी बी इज ए मच अनहैन्स्ड वर्जन ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बेसिक जो लैंग्वेज थी उसी का वर्जन मानी जाती है वीबी ठीक है विजुअल बेसिक वीबी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बिल्ट इन फंक्शन एंड की वर्ड्स मैनी ऑफ विच रिलेट डायरेक्टली टू द विंडो जी यू आई ठीक है तो वी में जो है बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ किया जाता है कीवर्ड्स होती हैं इसमें ओके तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं तो यहाँ से आप याद रखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो वो आपसे पूछेंगे कि विजुअल बेसिक को मतलब आ, जो लैंग्वेज थी वो कब आई थी ठीक है तो राइट right आंसर हो जाएगा 1992 में और इसे डेवलप किसने किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है इसे डेवलप किया था और बेसिक लैंग्वेज की ये एक्सटेंशन है ठीक है साथ ही कैसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं जी यू आई एप्लीकेशन या विंडो एप्लीकेशन जो होती है उनको डेवलप करने के लिए हम विजुअल बेसिक का यूज करते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं इट इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इन कॉरपोरेट वट वट यू सी इज वट यू गेट एनवायरमेंट ठीक है तो पहली लैंग्वेज है जो इस, uh, उसमें काम करती है वी बी सपोर्ट करती है इवेंट ड्रीवन प्रोग्रामिंग को इवेंट ड्रीवन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि यूजर जो है यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है तब जो है ये काम करती है आप यहाँ पे जैसे मान सकते हैं नेम एड्रेस जेंडर मेल और फीमेल ठीक है तो यहाँ पे जो सेव और एग्जिट बटन है ये क्या है क्लिकड इवेंट ऑफ सेव बटन यानी कि ये कौन करेगा यूजर करेगा ओके आप जो है इवेंट ड्रीवन प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कैलकुलेटर है ठीक है कैलकुलेटर में क्या करता है यूजर जो है एक्शन परफॉर्म करता है तब जाके कैलकुलेटर काम करता है ओके okay, तो सेम जो है VBB कुछ ऐसी ही लैंग्वेज है ठीक है चलिए यहां देखते हैं वॉट इज विजुअल बेसिक विजुअल बेसिक एक कैसी लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये याद रखिए आप ठीक है प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वीबी में जो दो मेन कॉम्पोनेट होते हैं वो क्या है देखिए एक एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ प्री रिटर्न टूल्स कॉल्ड कंट्रोल्स मतलब जो आ, वी बी है उसमें कंट्रोल्स होते हैं जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए ऑप्शन बटन है चेक बॉक्सेस हैं कमांड बटन हैं ये सारे क्या हैं कंट्रोल्स हैं जो वी बी में यूज़ किए जाते हैं ओके इसके अलावा कमांड्स हैं जो कि कहाँ से आई हैं बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है यूज़ की जाती हैं ठीक तो है तो इसमें कंट्रोल और कमांड जो है दो मेन चीजें हैं अब देखिए तो क्या आता इन वीबी इज कॉल्ड ए फॉर्म जो वीबी में अगर हम बात करें जो विंडो ओपन होती है उसे क्या कहते हैं फॉर्म कहते हैं ऑल एप्लीकेशन इन वी बी यूज एट एटलीस्ट वन फॉर्म ठीक है मतलब जो भी एप्लीकेशन होती है वी में वो क्या करती है एटलीस्ट वन वन फॉर्म जो है यूज़ करती है यू कैन प्लेस वेरियस कंट्रोल ऑन द फॉर्म बहुत सारे कंट्रोल्स को जो आप इस फॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं फॉर्म क्या है? एक विंडो ही है उसी को फॉर्म कहा जाता है वी में और वहाँ पर आप वेरियस कंट्रोल्स लाइक टाइटल बार है क्लोज बटन है सारे कंट्रोल्स को जो है मतलब प्लेस uh, कर सकते हैं ठीक है और हर एक फॉर्म का क्या होता है एक टाइटल बार होता है टाइटल बार आपको पता है जो सबसे ऊपर होता है ठीक है जहां पे नाम जो है लिखा होता है जैसे यहाँ पे फॉर्म वन लिखा हुआ है तो ये क्या है यहां पे टाइटल बार है इधर टाइटल बार में अगर आप देखेंगे मिनिमाइज बटन होता है क्लॉज बटन होता है और मैक्सीमाइज बटन होता है ठीक है ये होता है कंट्रोल मेन्यू ठीक है बॉर्डर है कैप्शन दिया है तो ये याद रखिए फॉर्म क्या होता है एक विंडो ही होती है वेबी में जिसमें कुछ कंट्रोल्स को हम रखते हैं इसके अलावा कंट्रोल्स देखिए द आइकन विच द आइकन विद विच द यूजर इंटरेक्ट आर कॉल्ड कंट्रोल्स कंट्रोल्स हमने पढ़ा क्या होते हैं ठीक है कमांड बटन हुआ चेक बॉक्सेस हुआ ये सारे क्या हैं कंट्रोल्स हैं जो वीबी में यूज़ किए जाते हैं आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे रेडियो बॉक्सेस क्या है चेक बॉक्सेस क्या हैं वो आगे जाके आपको और क्लियरली uh, क्लियर clear होते जाएंगे ठीक है फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म एंड कंट्रोल आर रेफर्ड टू कलेक्टिवली एज ऑब्जेक्ट मतलब फॉर्म और कंट्रोल्स मिलकर क्या बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टी इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे उसका साइज हो गया कैप्शन हो गया कलर हो गया ये सारी क्या हैं प्रॉपर्टीज हैं तो ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वीबी में वो हमने पढ़ा है ठीक है चलिए अब बात आती है फीचर्स कि फीचर्स क्या क्या हैं विजुअल बेसिक के तो देखिए सबसे पहले जो है इजी टू लर्न एंड यूज द ऑफ वीबी कमांड्स आर सो सिंपल दैट यू कैन यूज द कमांड वेरी इजीली मतलब इसको यूज करना इनकी कमांड्स को यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है ओके इट इज ईजीस्ट लैंग्वेज लाइक बेसिक एंड इट इज यूजफुल फॉर मोस्ट जनरल प्रोग्रामिंग जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग टूल्स ठीक है आगे है नेक्स्ट जो है वो है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन ठीक है वीबी की लैंग्वेज के द्वारा जो है हम यूज़र इंटरफेस को भी डिज़ाइन करते हैं इसमें क्या करते हैं विंडो के लिए फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए क्या होता है विंडो फॉर्म डिज़ाइनर होता है जो कि जो टूल बॉक्स होता है उसकी हेल्प से जो है किया जाता है यू आई डिज़ाइन तो विजुअल बेसिक हैज़ बिल्ट इन कैपेबिलिटी टू क्रिएट द यूजर इंटरफेस यू कैन क्रिएट द यूजर इंटरफेस बाई यूजिंग द टूल्स अवेलेबल विद वी बी ठीक है आगे है क्विक डेवलपमेंट एज विजुअल बेसिक हैज ए बिल्ट इन कैपेबिलिटी मतलब बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इसमें तो डू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस सो ऑब्वियसली द प्रोग्रामिंग टाइम इज़ रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू द अदर कमांड लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब बहुत जल्दी जो है एप्लीकेशन को डेवलप इसमें कर सकते हैं ठीक है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग यानी कि वी भी सपोर्ट करती है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा जो भी यूजर एक्शन परफॉर्म करता है तभी जो है ये क्रिएट uh, होती है ठीक है आगे है कॉमन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म वी वी प्रोवाइड ए कॉमन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म अक्रॉस ऑल एम एस ऑफ दी मतलब किसी भी उस पर जो है ये रन हो सकती है ठीक है तो कॉमन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म होता है विजार्ट देखिए वी वी ऑल्सो प्रोवाइड्स मैनी विजार्स दैट कैन ऑटोमेट टास्क और इवन ऑटोमेट अकॉर्डिंग ठीक है और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं कि विजुअल बेसिक क्या है? एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम जो है एप्लीकेशन जो क्रिएट करते हैं वो सीधा क्या कर सकते हैं डायरेक्टली टूल से कर सकते हैं ठीक है ठीके? साथ साथ ये माउस और कीबोर्ड को रिस्पोंड करता है वी बी जो लैंग्वेज है वी बी जो लैंग्वेज है वो माउस और कीबोर्ड दोनों को ही रिस्पोंड करती है ठीक है जब भी यूजर को कोई एक्शन परफॉर्म करना है चाहे माउस क्लिक करे या कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करे ठीक है ये क्या है मतलब वी वी में कुछ इनका भी जो है यूज़ होता है माउस और कीबोर्ड का क्योंकि यूज़र तभी एक्शन परफॉर्म कर सकता है अब माउस पे क्लिक किया वो भी क्या कर रहा है यूज़र कोई एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है तो ये भी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं इसके अलावा एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी होती है इसमें जिसकी हेल्प से जो हम आ, दूसरी जो एप्लीकेशन होती है उनकी आ, जो भी आ, वो यानी मतलब उनको भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है आ, इसके अलावा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम जो है आ, इंटरनेट और जो इंटरनेट की जो भी सुविधाएं हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं डिबगर और एरर हैंडलिंग की जा सकती है आसानी से तो इसमें ये सारी जो है इसकी क्या है फीचर्स है तो मेन याद रखिए ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आ, साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है ओके तो ये दो तीन चीज़ें इससे याद रखिए उसके बाद जो आता है वो आता है विजुअल बेसिक एडिशन तो ये पूछा जा सकता है कि विजुअल बेसिक एडिशन कितनी आ, मतलब कितने उसमें अवेलेबल है तो तीन एडिशन है इसके ये इम्पोर्टेंट है कौन कौन सा है ये पूछ सकते हैं तो एक है वी बी लर्निंग एडिशन एक वी बी प्रोफेशनल एडिशन और थर्ड है वी बी एंटरप्राइज एडिशन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वी बी लर्निंग एडिशन की ठीक है इस एडिशन में क्या होता है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है और विंडो एंटी है इसमें हम क्या कर सकते हैं पावरफुल जो एप्लीकेशन होती है उनको क्रिएट कर सकते हैं ओके okay, तो देखिए इट अलाउज़ प्रोग्राम टू इजीली क्रिएट पावरफुल एप्लीकेशन फॉर एमएस विंडो एमएस विंडो हो या विंडोज एंटी हो इनमें जो हम एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं वी बी लर्निंग एडिशन के द्वारा इट इंक्लूड्स और इट इंक्लूड आर इंट्रीजिंग कंट्रोल फ्लैक्स ग्रिड टैब एंड डाटा बाउंड कंट्रोल इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एडिशन एंड इज जनरली यूज फॉर लर्निंग पर्पज वी बी लर्निंग एडिशन को हम स्टैंडर्ड uh, एडिशन भी बोलते हैं और जनरली इसका यूज किया जाता है लर्निंग पर्पज के लिए ठीक है नेक्स्ट है वी बी प्रोफेशनल एडिशन ठीक है इस एडिशन में जो है लर्निंग एडिशन तो होता ही है जो ऊपर हमने जो भी उसकी आ, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी पढ़ी हैं वो लर्निंग प्रॉपर्टीज़ की सा आ, सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रोफेशनल एडिशन में भी होती हैं इसके अलावा इसमें क्या होता है एक्स कंट्रोल होता है ठीक है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होती है एप्लीकेशन डिज़ाइनर होता है इंटीग्रेटेड पेज डिज़ाइनर होता है ये सारी चीज़ें जो होती है प्रोफेशनल एडिशन में होती हैं तो देखिए द प्रोफेशनल एडिशन प्रोवाइड्स कंप्यूटर प्रोफेशनल विद फुल फीचर्ड सेट ऑफ टूल्स फॉर डेवलपिंग सोल्यूशन फॉर अदर्स इट इंक्लूड ऑल द फीचर ऑफ लर्निंग एडिशन प्लस एडिशनल एक्टिविक्स कंट्रोल इंक्लूड इंटरनल कंट्रोल्स एंड द क्रिस्टल रिपोर्ट राइटर ठीक है फिर आता है एंटरप्राइज एडिशन दोनों की ही जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई सारी जो है एंटरप्राइज एडिशन में होती है इसके अलावा इसमें क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटेड जो एप्लीकेशन होती है उनको क्रिएट करने की भी जो है प्रॉपर्टी होती है तो एंटरप्राइज एडिशन अलाउ प्रोफेशनल टू तो क्रिएट रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन ए टीम सेटिंग इट इंक्लूड ऑल द फीचर ऑफ द प्रोफेशनल एडिशन प्लस ऑटोमेशन मैनेजर कॉम्पोनेंट मैनेजर डाटा बेस मैनेजमेंट टूल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सोर्स सेफ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड मोर मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती है मेनली जो इसमें आपको याद रखना है वो क्या है कि इसमें तीन एडिशन कौन कौन से होते हैं लर्निंग प्रोफेशन और एंटरप्राइज लर्निंग को स्टैंडर्ड एडिशन भी बोलते हैं और ये लर्निंग पर्पज के लिए यूज की जाती है इसके लिए इसमें आप यूज़ कर सकते हैं क्या क्या इंट्रीजिंग कंट्रोल होते हैं फ्लेक्स ग्रिड होते हैं टैब होता है डाटा बाउंड कंट्रोल होता है वीवी में जो मेन होता है वो एक्टिव एक्स कंट्रोल ठीक है इंटरनेट कंट्रोल क्रिस्टल रिपोर्ट राइटर और एंटरप्राइज एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को आप क्रिएट कर सकते हैं ओके okay, तो तीनों जो है बस इस तरीके से ही याद रखिए चलिए अब बात करते हैं विजुअल बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट अब ये क्या है देखिए आईडीई की अगर मैं बात करूं फर्स्ट तो इसका क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट एन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से जो हम एप्लीकेशन को इजीली डेवलप कर सकते हैं उसको रन कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं और डीबग कर सकते हैं तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर सक, किया जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं ईजीली एप्लीकेशन को डेवलप क्रिएट मतलब क्रिएट करना रन करना उसको एरर फाइंड आउट करना टेस्ट करना ये सारी चीज़ें हम ईजिली कर सकते हैं ओके okay, तो देखिए वंस यू स्टार्ट वी वी सेवरल डिफरेंट आइटम अपियर ऑन योर स्क्रीन टूगेदर दीज आइटम रिप्रेजेंट दी वी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड ये सारे जो भी कंट्रोल्स जो भी आइटम्स होते हैं स्क्रीन ये क्या देते हैं हम एक, एक ऐसा एनवायरमेंट देते हैं जिसके हेल्प से हम इजीली किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं ठीक है चलिए तो ये दिखाया गया है क्या क्या चीजें होती हैं अगर हम आई डी के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है मेन्यू बार होता है टाइटल बार होता है टूल टूल बॉक्स होता है टूल बार है टूल बार में जैसे स्टैंडर्ड टूल बार है एडिट टूल बार है ठीक है फॉर्म डिजाइनर होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोर है प्रॉपर्टीज और फॉर्म जो है इसमें होता है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेन्यू बार की ठीक है मेन्यू बार क्या है विजुअल बेसिक में कमांड्स होती हैं जिसकी हेल्प से विजुअल बेसिक में काम किया जाता है अगर आप मेन्यू में देखेंगे तो क्या आती है फाइल मेन्यू है यहाँ पे ये देखेंगे अगर आप ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये क्या है मेन्यू बार है ठीक है तो यहाँ पे देखिए फाइल होता है फाइल मेन्यू है एडिट मेन्यू है व्यू मेन्यू है प्रोजेक्ट मेन्यू फॉर्मेट मेन्यू डीबर्ग इसके अलावा रन मेन्यू होता है क्वेरी है डायग्राम है टूल्स है एडिन एडिनस हैं विंडो है और हेल्प है तो इनकी हेल्प से जो है वीबी में काम किया जाता है तो मैन्यू बार में इन्हें क्या कह सकते हैं कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम वीबी में काम करते हैं ठीक है उसके अलावा एक टूल बार होता है टूल बार भी क्या होता है एक शॉर्टकट टूल होता है जिसका यूज हम करते हैं क्विक एक्सेस के लिए तो ये क्वेश्चन सीधा आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वी में हम क्विक एक्सेस के लिए कौन सा बार जो है यूज करते हैं तो वो होता है टूल बार अब टूल बार भी जो है अलग अलग टाइप का होता है जैसे स्टैंडर्ड टूल बार हो गया एडिट टूल बार होता है डीबग टूल बार होता है फोम एडिट टूल बार होता है तो अलग अलग तरीके का टूल बार जो है होता है बस ये याद रखिए टूल बार जो होता है वो क्विक एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है उसके अलावा आप यहाँ पे एक देख सकते हैं टूल बॉक्स भी है टूल बॉक्स में क्या होते हैं कंट्रोल जो होते हैं उनके आइकन्स होते हैं ठीक है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो कंट्रोल कर्सर है ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं इसमें Wait. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले पॉइंटर कंट्रोल है इधर फिर पिक्चर बॉक्स है ये ए आपको जो दिख रहा है ये लेबल के लिए यूज करते हैं ठीक है आ, इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस टूल बॉक्स में अगर मैं बात करूँ तो देखिए पॉइंटर कंट्रोल मैंने आपको बताया पिक्चर बॉक्स होता है लेबल होता है टेक्स्ट बॉक्स होता है फ्रेम इसमें यूज़ किए जाते हैं कमांड बटनस होते हैं चेक बॉक्स ऑप्शन बटन लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स फर्स्ट फाइल लिस्ट बॉक्स शेप ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ की जाती हैं तो टूल बॉक्स में आप क्या कह सकते हैं कंट्रोल होते हैं कंट्रोल हमने पहले ही पढ़ा क्या होते हैं लिस्ट बॉक्स चेक बॉक्स कंट्रोल बॉक्स ये सारे क्या हैं कंट्रोल हैं जो कि कहाँ पर होते हैं टूल बॉक्स में ते हैं ठीक है ये याद रखिए उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पे, तो एक विंडो भी आपको दिखाई दे रही है ये रही प्रॉपर्टीज विंडो ठीक है प्रॉपर्टीज विंडो का यूज क्यों करते हैं जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है उनको सेट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें एक फॉर्म लेआउट विंडो है ठीक है फॉर्म लेआउट विंडो क्या करता है कि फॉर्म जो फॉर्म है उसको रन करते टाइम हमें कहाँ पर दिखाना है ये हम यहाँ पर सेट करते हैं जो हमारा फॉर्म बनेगा उसको हम कहाँ पर दिखाएं ठीक है कहाँ पर हमें उसे सेट करना है ये हम फॉर्म ले आउट विंडो में सी करते हैं ठीक है उसके अलावा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में हम क्या करते हैं एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और आ, मतलब हमने कितने फॉर्म और मॉड्यूल्स उसमें यूज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में एक जो इसमें सबसे मेन है वो है फॉर्म डिजाइनर जिसको सेंट्रल पार्ट भी इसका बोल सकते हैं ये जो होता है स्क्रीन के बीच में होता है ठीक है तो ये याद रखिए फोम डिजाइनर कहाँ पर होता है स्क्रीन के बीच में होता है फॉर्म विंडो मतलब आ, इसको हम दो तरीके से दिखाते हैं एक फॉर्म विंडो होती है और दूसरी कोड विंडो होती है तो फॉर्म विंडो जो होती है वो बीच में होती है सेंट्रल पार्ट होती है ठीक है चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विजुअल बेसिक इज ए टूल दैट अलाउज यू टू डेवलप एप्लीकेशन इन रियल टाइम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या मेन्यू ड्रीवन तो हमने पढ़ा था विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है उसका यूज़ हम करते हैं जी यू आई एप्लीकेशन जो होती हैं उनको आ, डेवलप करने के लिए ठीक है ठीक है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आई डी ई स्टैंड्स फोर इंटरनेट डेवलपमेंट एनवायरमेंट इंटीग्रेटेड ड्यूअल एनवायरमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इनवायरमेंट या इंटीग्रेटेड डेस्क टॉप एनवायरमेंट तो आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इनवायरमेंट तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए विच विंडो डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म एंड मॉड्यूल मेकिंग अप योर एप्लीकेशन तो यहां पे बताना है कि राइट right आंसर क्या होगा तो अभी हमने मैंने आपको दिखाया था देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जितने भी मॉड्यूल्स या फॉर्म्स हमने ओपन किए हैं उनके लिए जो है यूज किया जाता है ठीक है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो प्रॉपर्टीज विंडो क्या थी प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए था फॉर्म लेआउट कि हम फॉर्म को कहाँ पे दिखाना चाहते हैं उसको सेट करने के लिए था तो लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म जितने भी फॉर्म और मॉड्यूल हमने यूज किए हैं उसके लिए हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कह सकते हो या प्रोजेक्ट विंडो जो है आप इसे कह सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज कैन बी व्यूड इन टू वेज जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं कौन कौन सी हैं अल्फाबेटिक इन कैटेगराइज अल्फाबेटिक इन न्यूमेरिक न्यूमेरिक एंड एल्फा न्यूमेरिक और नन ऑफ दीज तो प्रॉपर्टीज को हम देख सकते हैं अल्फाबेटिक और कैटेगराइज व्यू में ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो इज द सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन वी बी में जो सेंट्रल ठीक है सेंट्रल uh, uh, मतलब सेंटर में होती है विंडो के कौन सी होती है प्रोजेक्ट विंडो होती है प्रॉपर्टीज़ फॉर्म विंडो या ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट विंडो नहीं होती प्रॉपर्टीज विंडो नहीं होती फॉर्म विंडो होती है ठीक है या आप इसे फॉर्म डिज़ाइनर कह सकते हैं फॉर्म डिजाइनर हमने दो तरीके से पढ़ी थी दो टाइप की एक फॉर्म विंडो और दूसरी कोड विंडो तो ये किसी भी तरीके से आपको दे सकता है चलिए नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड इन द प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट टूल बॉक्स ऑब्जेक्ट ब्राउजर टूल बार या एन ऑफ दीज तो क्विक एक्सेस कौन देते हैं तो क्विक एक्सेस हमने पढ़ा था टूल बार ठीक है जिसमें अलग अलग टाइप्स की टूल बार होती है स्टैंडर्ड टूल बार एडिट टूल बार डीबक टूल बार और फोम एडिट टूल बार तो टूल बार जो है हम यूज करते हैं टूल बॉक्स में क्या था टूल बॉक्स में जो थे कंट्रोल्स जो होते हैं वो होते हैं ठीक है और टूल बॉक्स में एक याद रखिए बाय डिफॉल्ट ट्वेंटी एक्टिव एक्स कंट्रोल होते हैं ये भी आप चीज याद रखिए ठीक है दे ओके नेक्स्ट है इन डैश विंडो वी कैन राइट कोड इमीडिएट विंडो लोकल विंडो कोड एडिटर विंडो या नन ऑफ दीज कि हम कोड को कहां पर लिख सकते हैं आ, तो राइट right आंसर हो जाएगा कोड एडिटर विंडो ठीक है कोड विंडो हमने पढ़ा था एक फॉर्म विंडो था, एक कोड विंडो था तो कोड विंडो में जो हम कोड को राइट कर सकते हैं डैश इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट अबाउट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और मैथड्स इनको फाइंड करने के लिए हम मतलब किसका यूज करते हैं तो वो होता है ऑब्जेक्ट ब्राउजर का ठीक है ए टेक्स्ट बॉक्स कैन होल्ड एज मैनी एज डैश करेक्टर ऑफ ए लाइन टेक्स्ट तो राइट right आंसर हो जाएगा थर्टी टू थाउजेंड कैरेक्टर्स पूरे मल्टीलाइन टेक्स्ट ओके तो ये था फर्स्ट इंट्रोडक्शन विजुअल बेसिक का आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जैसे फर्स्ट नेक्स्ट uh, में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक जिसमें हम डाटा टाइप्स पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं विजुअल बेसिक में क्योंकि डाटा टाइप से एक क्वेश्चन विजुअल बेसिक का पूछा गया था ओके okay, इसके अलावा वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तो वेरिएबल्स पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में तो प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक में ये सारी चीज़ें जो हैं कवर करेंगे उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं तो कंट्रोल स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन आया था वी से रिलेटेड तो वो देखेंगे ठीक है आगे फिर कंट्रोल्स आएंगे जैसे लेबल कंट्रोल कमांड बटन्स कॉम्बो बॉक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है वी में तो ये सारी चीज़ें बस आ, हमें डिस्कस करनी है वी की उसके बाद जो है हमारा कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो कम्प्लीट हो ही जाएगा ठीक है फिर हम जो है कोशिश करेंगे जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनकी तैयारी करेंगे एम करेंगे ज्यादा से ज़्यादा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद एम सी क्यू फोकस करेंगे ओके थैंक यू सो मच और अगर आप वीडियो की पी चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ जाके रजिस्टर रजिस्ट्रेशन कीजिए और नोट्स जो आप हाँ खरीद सकते हैं ओके थैंक यू सो मच